हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप खुद को इंश्योरेंस एजेंट या LIC एजेंट बताने में झिझक या शर्म महसूस करते हैं? तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सच है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में दुनिया के किसी भी बिजनेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बार ना सुनना पड़ता है। और डेली इतनी सारी ना सुनने के बाद, इतने रिजेक्शन के बाद एजेंट का मॉरल डाउन हो जाता है और वो धीरे धीरे ये बताना ही बंद कर देता है कि वो एक LIC भी करता है या वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं, आपको टरकाते हैं और कई सारे बहाने भी बनाते हैं। देखिए, आपके साथ ये सब होता है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये हर एजेंट के साथ होता है। लेकिन आपको उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इतना सोचिए कि कितने नादान हैं वो लोग जो अपने मोबाइल पर तो स्क्रीन गार्ड और कवर लगाते हैं, पर अपनी लाइफ के लिए उन्होंने अपनी कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया है। फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपको चुना है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका जीवन उनके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है, पर आपको पता है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें सही जानकारी दें। फ्रेंड्स, आप अपने आप पर गर्व करिए, क्योंकि आप दूसरे के परिवार के लिए एक सुरक्षा कवर बना रहे हैं। और ये सच भी है, क्योंकि आप जब किसी का इंश्योरेंस करते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो सारा पैसा उनके परिवार को मिलता है, जो उनको एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप अपना मॉरल डाउन नहीं करिए और हमेशा मन में सोचिए कि आप उनका भला कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं। और जब आप ये सब बातें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मॉरल हमेशा हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हमेशा हाई रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।